पे अपना स्थान ग्रहण कर ले। 5 मिनट में हमारे आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं जो कृपया ड्यूटी में हमारे लोग लगे हैं उनका आग्रह करूंगा कि वो कृपया सभी लोगों को दाएं बाएं और जो थोड़ी बहुत कुर्सियां खाली हैं उनको बिठाने का कष्ट करें। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मैं धन सिंह भाई और मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। रही है पहाड़ों का दुर्गम जीवन, पशुओं के लिए घास लाने के दौरान हाथों का जोखिम उनके जीवन को और भी मुश्किल बना देता है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में घास लाने ले जाने के दौरान महिलाओं के साथ हर साल 150 से 200 हादसे हो जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने घसियारियों की इस पीड़ा को समझा और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के जरिए उनके जीवन में बदलाव लाने की अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उसका बहुत बड़ा है। सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं बहनें बचेगी, उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी करकर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। सहकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिलाओं को 2 रुपए प्रति किलो की दर से हरे पौष्टिक चारे यानी साइलेज के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को घास के लिए जंगल जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता, उनके सिर से घास की गठरी का बोझ हट रहा है और उनके समय की भी बचत हो रही है। वर्तमान में राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश भर में 150 साइलेज वितरण केंद्र खोले गए हैं। इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों के 9 जिलों में इस साल के अंत तक 1 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री